फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लार्ज माउस पॉइंटर के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को कैसे ऑन कर सकते हैं और ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और एडिशनल सेटिंग पर जाना है। एडिशनल सेटिंग पर जाते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है थोड़ा सा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो लार्ज माउस पॉइंटर ये रहा फ्रेंड्स। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करते ही आपका ये लार्ज माउस पॉइंटर जो है ऑन हो जाएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका जो कर्सर होता है वो और भी बड़ा हो जाता है, जैसे पीसी में होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।